नमस्कार, हर खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से पेश किए गए 58,444 करोड़ के बजट पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदन में बजट पर चर्चा शुरू हुई, जिसमें हिस्सा लेते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि बजट पूरी तरह से निराशाजनक है, बजट में कोई दिशा नहीं है और न ही कोई विजन नजर आता है। जनता जान चुकी है कि चुनाव से पहले झूठी गारंटियां देकर कांग्रेस सत्ता में आई, एक साल के बाद भी उन पर कोई काम नहीं हुआ, सारी घोषणाएं धरी की धरी रह गई। और इसी के साथ ही जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए बजट पेश किया गया है, थोड़ा थोड़ा लाभ सभी वर्गों को देने का प्रयास हुआ है। 2024-25 के लिए माननीय सदन में मैंने अपना चर्चा के दौरान अपना वक्तव्य रखा है और सबसे पहले तो इस बजट के संदर्भ में मुझे ये कहना है कि बजट में कोई भी दिशा नहीं है, कोई भी विजन नहीं है, ना ही कुछ करने की मानसिकता दिखती है और ना ही कोई इस प्रकार की इच्छा शक्ति दिखती है कि हिमाचल प्रदेश को हम आने वाले समय में विकास की राह पर आगे बढ़ा सके। मैं इस बात को कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी की अब सारी बातों से लोग अच्छी तरह से समझ गए। चुनाव से पहले झूठी गारंटी दे करके, झूठ बोल करके सत्ता में आए, सत्ता हासिल करने के बाद पहला बजट प्रस्तुत किया, उसमें बहुत सारी घोषणाएं की और एक साल बीतने के बाद उन घोषणाओं पर कहीं भी जमीनी स्तर पर काम हुआ नहीं। और शिमला में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली में बीजेपी का 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन बीजेपी के इतिहास में और देश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में मंडपम में संपन्न हुआ। यह अधिवेशन नरेंद्र भाई मोदी की 10 साल की कार्यकुशलता के लिए समर्पित रहा। गरीब कल्याण के वो 10 साल, भारत के विकास के वो 10 साल, युवाओं के, महिलाओं के, किसानों के उत्थान के वो 10 साल, उसके लिए सभी ने एक स्वर से नरेंद्र भाई मोदी की प्रशंसा की। मेरा देश पिछले 10 साल के अंदर जहां 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में कामयाब हुआ, वहीं महिलाओं के विकास के अंदर एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ। दुनिया के अंदर भारत की छवि जहां डूबती हुई छवि थी, वहां भारत एक उभरता हुआ भारत इस दृष्टि से और आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। दुनिया की 5 सबसे गिरती हुई आर्थिक स्थिति और वहां से बढ़कर दुनिया की सबसे स्ट्रांग 5 आर्थिक स्थितियों के अंदर भारत पहुंचा। और कुल्लू कांग्रेस कमेटी की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन का आयोजन रखा गया, लेकिन यहां पर कांग्रेसी एकजुटता नहीं दिखाई दी और जिला स्तर के प्रदर्शन में मात्र 11 कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ही शामिल हुए। हालांकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन बावजूद इसके ये मंजर देखने को मिला। ये केंद्र सरकार की एक बहुत नीची हरकत है। ऐसा ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरे वर्ल्ड में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि दूसरी पार्टी को दबाने के लिए इस तरह के छोटे हथकंडे अपनाएं। कांग्रेस पार्टी इसका बहुत विरोध करती है। हम केंद्र सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि इस तरह की जो बहुत नीची हरकत है, इसका दमनकारी नीति जो है, इसका कांग्रेस पार्टी डट के विरोध करती है और जरूरत पड़ी तो आने वाले समय में हम एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। आज तो हमने केवल ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है इसके बाहर एक छोटा सा एक ट्रेलर दिखाया है। अगर जरूरत पड़ी केंद्र सरकार की इसी तरह की नीतियां हुई, हम इसका डट के विरोध करेंगे।
ये जब भी इलेक्शन आते हैं इस तरह की छोटी हरकतें करते हैं। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी मोदी सरकार। और हिमाचल प्रदेश में राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी के आरकेएस कर्मचारी नियमित पे स्केल के लिए कई दिनों से पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं। मांग न मानने पर यह स्ट्राइक अब 4 घंटे की हो गई है और बता दें कि कर्मचारी काले बिल्ले लगाकर शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। रेगुलर पे स्केल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 8 ईयर, जो 8 साल की कंप्लीशन हमारी हो चुकी है, उसके बावजूद भी 2 साल ऊपर हो गए और हमारी डिमांड यही थी कि सरकार इससे संज्ञान ले और हमारी जो डिमांड है रेगुलर पे स्केल उसको जल्द से जल्द पूरा करे। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई नया कुछ करने जा रही है सरकार, इससे पहले भी 39 को 2018 में पे स्केल मिल चुका है, फिर 2016 में 1 को टांडा में इसी सिनेरियो पे आईजीएमसी बेसिस पे टांडा में दिया गया और नाहन में भी 2018 में नाहन में भी दिया गया और 2019 में एक बार फिर आईजीएमसी में ईसी की मीटिंग में ही एक कैंडिडेट को दिया गया है। तो 60 जो कैंडिडेट्स है एम्प्लॉयज है उनको ऑलरेडी पे स्केल मिल रहा है, बट हम जो 55 है जो रेस्ट आउट जो बचे हुए उनको अभी तक ये मिला नहीं है जो पे स्केल हमारी जो डिमांड। और अब खबर धर्मशाला से है जहां छात्र हित और शिक्षकों से जुड़ी कई मांगों को लेकर के हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र चौहान और अन्य पदाधिकारियों ने प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा के साथ बोर्ड मुख्यालय धर्मशाला में बैठक की। बैठक में मांग की गई कि 10वीं और 12वीं के प्रश्न पत्र बोर्ड की तरफ से 9वीं और 11वीं तक के प्रश्न पत्र छोड़े जाएं। स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन धर्मशाला के साथ बैठक हुई, हिमाचल राज के अध्यापक संघ की एक एजेंडा बैठक थी, 24 सूत्रीय मांग पत्र इसमें हमने बोर्ड के समक्ष रखा था और एक एक करके सभी मुद्दों पे चर्चा हुई है, डिटेल चर्चा हुई, सैद्धांतिक मंजूरियां भी अध्यक्ष के द्वारा कई मुद्दों पे दी गई है और मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारी बातें बोली है। हमारा एक मुद्दा था कि भी टीचर्स के लिए ठहरने की व्यवस्था नहीं होती है, बोर्ड के पास हमारा बहुत सा पैसा रहता है जमा, करोड़ों रुपए होता है, तो उसमें हॉलीडे होम जगह जगह हम बनाना चाह रहे हैं, उसमें काम आगे बढ़ रहा है, कुछ जिलों में काम हो गया है, कुछ में बन गया है, शिमला के अंदर एक बड़ा हॉलीडे होम बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए भी बात हुई है कि हम उसको हो सकता है कि रेंटिटी आए हम खरीद ले, कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स हमें मिल जाता है तो उसके ऊपर भी बात बोर्ड कर रहा है। फिर हमने बात की कि जिस तरह से हमारे जो 8 किलोमीटर का एक टीएडीए के नॉर्म्स को लेकर अभी इसमें संशोधन हुआ उसको 30 किलोमीटर किया गया, तो हमने बोर्ड से मांग की कि उसको 8 किलोमीटर। सोलन के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के निक्वीन हेल्थ केयर फार्मा कंपनी में जहरीला केमिकल जमीन पर गिरने से कई कामगार बेहोश हो गए। केमिकल की गंध इतनी तेज थी कि आसपास काम कर रहे कर्मचारी बेहोश होकर गिरने लगे, जिसमें 12 महिलाएं और 2 युवक शामिल थे। आज सर काम करने के दौरान हमारा एक कोटिंग मटेरियल होता है वो नीचे हम ऊपर ले जा रहे थे, ट्रांसफर कर रहे थे, तो ले जाते समय लिफ्ट में जाके फर्स्ट फ्लोर पे ट्रॉली पे रखा हुआ था वो स्टील के ड्रम में था और ड्रम बाय चांस लड़के से पलट गया, पलटने की वजह से नीचे फैल गया वो और एचयू के सर्कुलेशन से वहाँ काम कर रहे पूरे सेक्शन में फैल गया, तो पैकिंग सेक्शन में जो लड़कियां काम कर रही थी उनको थोड़ी सी तेज तीखी स्मेल आने लगी, तो उनको दिक्कत महसूस हुई, हमने उनको बाहर निकाल दिया और उनको बाहर निकाल के पानी वानी पिलाया, हमने फटाफट गाड़ी में डालकर उनको हॉस्पिटल में डाल दिया, बद्दी हॉस्पिटल भेज दिया। दवाई की खुशबू आई थी तो बेहोश हो गए, तो कुछ बनने कुछ बाहर आ गए थे तो गुड्डू भैया लिया थे गाड़ी में और को हमारे ठेकेदार और सुपरवाइजर ले गए थे गाड़ी जो पीजीआई में है और हम यहाँ पे। कितने बंदे थे टोटल बता रहे थे ऊपर के फूल प्लांट के कंपनी में कुछ महक सी आई थी तो दिल घबराने लगा था सबका, तो सब लोग बाहर आ गए थे तो दिमाग को चढ़ गई थी सबके, फिर उसके बाद में कुछ लोग बेहोश भी हो गए थे, फिर हॉस्पिटल आ गए थे लेके कुछ जनों को। हॉस्पिटल कौन लेके आया आपको? हॉस्पिटल मतलब ठेकेदार ही लेके गए थे और कंपनी के ही थे सुपरवाइजर और एचआर मैडम, ये सब जने लेके भाग गए थे।
और अब खबर सिरमौर से है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर ब्लास्टिंग करके पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है। बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर काली ढाक बड़वास के समीप अरजीबी कंपनी दिन दहाड़े धरती के सीने को छलती छल्ली करती नजर आ रही है। एक ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है, कोई ऐसे थोड़ी बन रहा है। और इस संदर्भ में बड़वास के समय जो समीप बता रहे हैं आप, जो ब्लास्टिंग की जो घटना घट रही है, जो काम कर रहे हैं, इस बारे में कोई भी हमारे कार्य से तो कोई परमिशन नहीं मिली हुई है। तो इस बारे में ऐसा है कि अगर वो ब्लास्टिंग कर रहे हैं, जैसा आपने मुझे वीडियो भी दिखाया है, तो उसमें जो है हम नियमानुसार उचित कार्रवाई हम करने वाले हैं इनके खिलाफ। यहाँ प्रशासन से ना कोई अनुमति है इस संबंध में, ना हमको कोई ना कोई जानकारी बताई। ये बोलना चाहते हैं जो NH 707 है, इसमें दिन को ब्लास्टिंग हो रही है, दिन को ब्लास्टिंग नहीं होनी चाहिए और दिन को लोगों को परेशानी होती है, इसमें एक एक घंटे का जाम लगता है और दिन को परेशानी होती है जो पब्लिक को, वो नहीं होनी चाहिए। बस में परेशान होते हैं, पेशेंट होते हैं बस में। तो हिमाचल प्रदेश की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।